चुनाव रिमोट में नहीं, चुनाव तो चुनाव वाले जाने, यहाँ के जो टैलेंट गांव का है वो बड़ा तेज़ी से उभरा है। वो चाहे यूपीएससी की सर्विसेज हों, एनडीए की हों, आईआईटी की हों, ये एक बहुत अच्छी सोच है। देखिए आज हमारा चार स्टेशनों पर जाना हुआ, ये तीसरा स्टेशन है, इसके बाद हम महेंद्रगढ़ भी जाएंगे, क्योंकि ये सारे का सारा बीकानेर जोन के अंदर पड़ता है। ये अधिकारी साहिबान भी बीकानेर से ही आए हैं। अमृत भारत योजना के तहत हमने सभी उन प्लेटफार्म स्टेशन, क्योंकि बीकानेर डिवीज़न में और अपने इस लोकसभा क्षेत्र में चार स्टेशन अमृत योजना के अंदर लिए हैं, जिनमें भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और नारनौल, सभी को हम मॉडर्न कैसे करना है, पुरानी बिल्डिंग को ठीक कैसे करना है, वो सारी सुख सुविधा किस प्रकार दी जा सकती हैं। दो फेज बनाए हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में 31 दिसंबर तक ये काम पूरा होगा। इस प्लेटफार्म पर भी 4 और 5 करोड़ के बीच में पैसा खर्च आएगा और उम्मीद करते हैं कि हम इस पुराने स्टेशन को ठीक करके, चाहे वो पीने का पानी है, बैठने की जगह है, खाने की जगह है, दोबारा तोड़ के जहाँ भी ठीक करना है, जिस भी बिल्डिंग को, यानी वो सारी सुविधा हर पैसेंजर को मिल सके, वो एक नए ज़माने को देखते हुए जी। उस इसीलिए इसका नाम, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के नाम से कहो, अमृत योजना में ये सारी चीज़ें शामिल की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि 31 दिसंबर तक ये एक बहुत बढ़िया स्टेशन का रूप होगा। इसका पैसा दे दिया और पैसा दे के काम अभी शुरू हो जाएगा, अभी फौरी तौर पर, क्योंकि आज अगर महीना देखोगे तो आज तारीख होगी, क्योंकि हमने 31 दिसंबर तक ये काम कंप्लीट करना है। चुनाव रिमोट में नहीं, चुनाव तो चुनाव वाले जाने, हर 5 साल में शहर की सरकार, गांव की सरकार, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, आप लोग चुनाव में 5 साल के लिए समय देते हो, हमारा अभी 1 साल बाकी है। हमारा काम है 5 साल तक काम करना। चुनाव जब आएगा तो इलेक्शन कमीशन डेट देगा, इलेक्शन कमीशन की डेट होने के बाद सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। बहुत बहुत बधाई। अब मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि जो टैलेंट गाँव का है वो बड़ा तेज़ी से उभरा है। वो चाहे यूपीएससी की सर्विसेज हों, एनडीए की हों, आईआईटी की हों, ये एक बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा हमारे लिए, मैं तो मान के चलता हूँ देश का भविष्य है ये।